हाय फ्रेंड्स, आज मैं पनीर पकोड़ा बनाने वाली हूँ। मैंने ये पनीर को घर में ही बनाया है। होममेड पनीर से मैं आज पकोड़ा बनाऊंगा। बहुत ही अच्छा बना है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। प्लीज़ मेरा चैनल को एक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। देखिए, पनीर पकोड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है होममेड पनीर। इसको मैंने इस तरह लंबा लंबा करके कट किया है। देखिए, ये मैंने घर में ही बनाया था गाय के दूध में। देखिए कितना फ्रेश और कितना अच्छा सा बना है। इसमें आज मैं पकोड़ा बनाऊंगा। बड़े कप में एक कप बेसन लिया है। इसको मैं छोटा कप में आधा कप मिर्ची का पाउडर डालूंगा, थोड़ा सा जीरा डालूंगा, टेस्ट के अनुसार नमक भी डालूंगा और इसको थोड़ा सा पानी डालूंगा। मैं पहला ज़्यादा नहीं पानी डालूंगा और अच्छे से मिक्स करूंगा। देखिए एक बार मिक्स करके हो गया और मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, फिर से मिक्स करूंगा। एक ही बार पूरा पानी डाल के मिक्स नहीं करने का, फिर बहुत ही पतला हो जाएगा। देखिए मैंने बेसन को अच्छे से मिक्स किया है पानी डाल के। देखिए इतना तो गाढ़ा होना चाहिए, नहीं तो ये पनीर से नीचे गिर जाएगा। अभी मैं एक एक पनीर को मैं इसमें डालूँगा। और इसमें अच्छे से मिक्स करूँगा मैं, मतलब डुबा दूँगा सब पनीर को। दस मिनट के लिए मैं ऐसे ही रखूँगा। 10 मिनट के बाद इसको फ्राई करूँगा। देखिए मैंने एक बनाले पे तेल डाल के चूल्हे के ऊपर रखा है। अभी मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था ना ये पनीर। देखिए अभी मैं अच्छे से ये बेसन में डुबा के अच्छे से फ्राई करने का। अंदर का पनीर है ना, ये थोड़ा सा गर्म हो गया तो काफ़ी है, और ये बाहर का बेसन का कोटिंग है ना, ये फ्राई होने का, और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई होने के लिए। कलर चेंज होने तक फ्राई किया तो काफ़ी है, बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा ये रेसिपी।
देखिए कलर चेंज हो के अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अभी मैं निकाल के दूसरे एक प्लेट में डाल दूंगा इसको। देखिए थोड़ा सा फ्राई करने के लिए पनीर बचा है, तो मैं सेकेंड राउंड भी फ्राई करूँगा अभी। कलर चेंज होने तक फ्राई होने दें। देखिए इसका कलर तो चेंज हो गया, तो मैं निकालूंगा अभी, निकाल के दूसरा एक प्लेट में डालूंगा इसको। देखिए कितना जल्दी पनीर पकौड़ा रेडी हो गया। कितना अच्छा सा बना है, देखिए कितना अच्छा सा फूक के बना है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। टोमेटो केचप के साथ खाएगा तो मज़ा ही और है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही हेल्थी है ये।